खबर टॉप छे मां जोईए दुनियानी टॉप खबरो। अफगानिस्तानना ताशकंदमां एक क्षेत्रीय सम्मेलननुं आयोजन। आ सम्मेलनमां अफगानिस्तानना राष्ट्रपति अशरफ गनीए कर्या तालिबानो पर प्रहार। अफगानिस्तानमां विदेशी आतंकीओना प्रवेश अने तालिबानना आतंकने पोषता अमेरिका पाकिस्तानी आलोचना करी। महत्वनुं छे छेल्ला एक महीनाथी पाकिस्तानथी 10,000 जिहादीओए अफगानिस्तानमां घुसणखोरी करी छे। अफगानिस्तानमां शांति स्थापित करवा अमेरिका सहित अन्य त्रण देशना प्रयासो चालू। अफगानिस्तान अमेरिका पाकिस्तान अने उज्बेकिस्तान मळीने नवा क्वॉड समूहनी रचना करशे। आ माटे चारे देशे सैद्धांतिक सहमति दर्शावी। आगामी महीने योजनारी आ नवा क्वॉड समूहनी बैठकमां तमाम पक्षना सहयोग पर तथा अफगानमां सुरक्षानी स्थिति पुनःस्थापित करवा पर चर्चा थशे। अफगानिस्तानी स्थिति पर हस्तक्षेप करने मुद्दे तालिबाने भारत ने आपी सलाह। कहू भारत तटस्थ भूमिका निभावी जोईए। अफगान में तैनात करेला सैन्य उपकरणों काबूल समर्थन नहीं करने भारत ने सलाह आपी। महत्वनु भारत विदेश मंत्री चिंता व्यक्त करता जणाव्युं कि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जो कर ले तो भारत हितों ने नुकसान थई शके छे। पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा प्रांत में थे आतंकी हुमला की घटना अंगे चीन कड़क वलण। हुमला की घटना बाद चीने पाकिस्तान की क्षमता पर उठाया सवाल। कहू आतंकी शोधवामा अने तेमने सजा आपवामा पाकिस्तान समर्थ नथी तो चीन पोताने मिसाइल और स्पेशल फोर्स ने कामे लगाड़शे। महत्वनुं छे पाकिस्तान में थे आतंकी हुमला में 9 चीनी नागरिक और फ्रंटियर कॉप्स 2 सैनिकों सहित 13 लोगों मौत थे। चीन की चेतवनी बाद पाकिस्ताने आप्यु आश्वासन। खैबर प्रांत में थे आतंकी हुमला की घटना आरोपी ने पकड़वा उच्चस्तरीय कमिटी की रचना करने की खातरी आपी। साथ ही जणाव्यु घटना की तपास में कोई कसर छोड़वामां नहीं आवे। बन्ने देश वच्चे संबंधों ने नुकसान पहुंचाड़ाय ते साखी नहीं लेवाय। नेपाल में देउबा सरकार ने विरुद्ध वोट करशे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जूथ। नेपाल ने प्रतिनिधि सभा में विश्वासमत दरमियान केपी शर्मा ओली जूथ नवा नियुक्त थयेला प्रधानमंत्री देउबा ने विरुद्ध वोट करशे। केपी शर्मा ओली नेतृत्व में मळेली बैठक में निर्णय लेवामां आव्यो। नेपाल में प्रधानमंत्री तरीके नियुक्त थया बाद 30 दिवस अंदर प्रतिनिधि सभा में विश्वासमत मेळवानो होय छे। त्यारबाद जे ते सभ्य सत्तावार रीते प्रधानमंत्री जाहेर थाय छे। पाकिस्तान में एक बार फरीथी पेट्रोल डीजल ना भाव आसमाने। इमरान सरकारे एक साथ पेट्रोल ना भाव में प्रति लीटर 5.40 रुपया डीजल ना भाव में प्रति लीटर 2.54 रुपया वधारो कर्यो। पाकिस्तान में पेट्रोल ना भाव 118.09 रुपया पर पहुंचा। डीजल ना भाव 116.5 रुपया प्रति लीटर पर पहुंचा। पेट्रोल डीजल ना भाव वधारा ने पगले कंगाल थवाने आरे उभेली पाकिस्तान जनता में इमरान सरकार सामे रोषनी लागणी। उत्तर अने मध्य चीन में छेल्ला केटलाक दिवसथी भारे वरसाद अने वावाझोड़ाए सर्जी ताराजी। भारे वरसाद ने पगले पाणीना प्रवाहमां रमकड़ानी जेम गाड़ियों तणाई। वरसादी पाणी घरोमां घुसी जता लोकोने भारे हालाकी। भारे पवन फूंकाता अनेक जग्याए घरना छापरा उड्या। अनेक जग्याए वृक्षो धराशायी थया। 2 दिवस पहला चीनमां हवामान विभागे भारे वरसाद अने वावाझोड़ानी चेतवणी आपी हती। त्यारबाद बीजिंगमां दरेक पर्यटन स्थळ बंद करी देवामां आव्या। पश्चिम यूरोप में भारे वरसाद ने कारण नदियों में पूर आता जर्मनी बेल्जियम में ताराजी सर्जाए। पूरग्रस्त बन्ने राज्यों में 110 मौत जारे 1,000 लोग लापता थया। भारे वरसाद ने पगले जर्मनी बेल्जियम असंख्य विस्तारों संपर्क विहोणा बन्या। अनेक जगह वीजळी गुल थी। जर्मनी बेल्जियम की सरहदे आवेला हाईवे बंद थता वाहन व्यवहार पण खोरवायो। कोरोना की तीजी लहर में सौथी वधु केस अमेरिका में सामे आवी रह्या छे। अमेरिका में छेल्ला 25 दिवस में नवा केस की संख्या में 4 गणो वधारो थयो। दक्षिण कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस शहर में घर की अंदर पर मास्क पहेरवुं फरजियात करवामां आव्युं। कोरोना की तीजी लहर वच्चे वेक्सिन बन्ने डोज लई चूकेला लोकोने पर मास्क पहेरवुं फरजियात करवामां आव्युं।